नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रिया को ढूंढते ढूंढते हो जाएगा तेजो के साथ हादसा। कुछ इस तरह से व्हीलचेयर पर नजर आएगी तेजो। ये सब कुछ जैस्मिन की वजह से हुआ है। जैसे ही पता चलेगा कि तेजो का एक्सीडेंट हो गया है और ये सुनते ही फतेह की हालत बेहद ख़राब हो जाने वाली है। वेल, आपको तो पता ही है कि आसपास ही हैं फतेह और तेजो। यहाँ पर फतेह जो है वो तेजो को लेकर बेहद परेशान नज़र आ रहा है। वो हमेशा ही तेजो से छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे छिप नहीं पा रहा है। यहाँ पर रिया को ढूंढते ढूंढते तेजो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हीलचेयर पर नज़र आती है तेजो। पहले आपको बता दें कि कुछ BTS फोटोज सामने आई हैं, जिसमें काफ़ी मस्ती के मूड में नज़र आ रहे हैं अंगद, फतेह और तेजो। तेजो जो है वो व्हीलचेयर पर नज़र आ रही है और फतेह भी उसको व्हीलचेयर पर पैम्पर करता नज़र आ रहा है। वहीं पर अंगद भी दिख रहा है, यानी कि अब इसके बाद जो है वो व्हीलचेयर पर नज़र आने वाली है तेजो। इसका मतलब यही हुआ है कि रिया को ढूंढते ढूंढते कुछ हादसा हुआ है तेजो के साथ, जिसके बाद ये हालत हुई है तेजो की। आपको बता दें, जैसे ही तेजो के बारे में पता चलेगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, फतेह बिल्कुल ही पागल सा हो जाएगा और वो ज़रूर मिलने के लिए पहुंचेगा। आपको ये भी बता दें, जैस्मिन ने रिया को किडनैप किया है, तो रिया को जैस्मिन से फतेह ही बचाने वाला है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बचाने के दौरान फतेह और तेजो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं या नहीं। फिलहाल आप तो ये जानते ही हैं कि तेजो को भी एहसास हो चुका है कि आसपास ही है फतेह, तो वहीं पर फतेह ने तो तेजो को देख ही लिया है, लेकिन यहाँ पर जो जैस्मिन है वो फतेह को देख भी नहीं पा रही है। फिलहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक चलने वाला है उड़ारियाँ का। भले ही उड़ारियाँ का जो ट्रैक है बीच में काफ़ी बोरिंग हुआ हो, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छे ट्रैक पर चलने वाला है उड़ारियाँ। इस वीडियो में बस इतना ही।